हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि लेवल वन का बेसिक का मैंने जो सैम्पल पेपर है वो आपके सामने उसका वीडियो बना दिया है। अब 6 to 8 मिशन बुनियाद का जो एडवांस मतलब कि लेवल टू है उसका सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाला सैम्पल पेपर काफ़ी ईजी था, कमेंट्स भी आए मेरे पास में बहुत आसान है, लेकिन ये है लेवल टू वालों के लिए, जो लेवल टू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो उनको भी पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, सबसे पहले हिंदी का दिया गया है, हिंदी में पैराग्राफ दिया गया है जिसे रीड करना है। इसी तरह से देखो आपका जो पेपर है वो रिटन पेपर होने वाला है इस बार, तो आप थोड़ा सा अपने आप को मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हर बार ओरल हो जाता था वैसा नहीं होगा। तो पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे रीड करते हैं। यही पेपर आपके 99% तक यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है कुछ स्कूल्स में चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, या लेवल आपको लेवल टू का सेकेंड जो सैम्पल पेपर है वो दे दिया जाए, तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि यही पेपर दिया जाए। तो अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो क्या कहा गया, पक्षी, आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट है उसका टाइटल है पक्षी। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर होती है, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। आपने देखा होगा कई पक्षी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हैं क्यों? अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो अपने से 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। जो हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ उन्हें वही पक्षी ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छेद होते हैं उनमें, जो कि पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है वह चीज़ भी ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जानवर जो है वो हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। हमें पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, उनके बाहरी कान छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। हर पक्षी अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है। तो देखो यहाँ पर लगभग एक पैराग्राफ की कुछ लाइन्स रिपीट हो गई, बार बार में बताई गई है, कोई बात नहीं। आगे देखो क्या कहा गया है। अब इसी से आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर देना है। सबसे पहले प्रश्न में देखो क्या कहा गया है, किसी एक पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें सिर के दोनों ओर है। तो सभी पक्षी जो होते हैं उनकी आंखें क्या होती है, जो पक्षी जो आंखें उनके सिर के एक ओर दोनों ओर होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे नाक है, देखो बताऊँ किसे, यहाँ पे नाक है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कबूतर, लिख सकते हैं पक्षी का नाम बताना है ना आपको, आप यहाँ पे गिद्ध लिख सकते हैं, बाज लिख सकते हैं, चील लिख सकते हैं, सारे जानवर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस पार्ट में दी गई एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताइए। तो देखो आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी, यहीं हमें जो आंसर है वो यहीं से देखने हैं, दूर से नहीं, मतलब अपनी तरफ से नहीं, यहीं पे देखकर लिखने हैं। तो आप इसमें देखो ये चीज़ें लिख सकते हैं कि अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर होती है, वो एक ही समय दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। एक फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी, आप इसके अंदर अलग अलग लाइनें लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूर तक देख पाते हैं, तो ये हो जाएगी सेकेंड लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है इस जो इस चैप्टर में या इस जो पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम बता देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो सिर्फ सफ़ेद और काली ही उन्हें हर एक चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके अलावा ये सेकेंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई है, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छेद होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके रहते हैं, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं, पक्षी हर बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, यहाँ से कोई भी एक लाइन लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पक्षी अपनी गर्दन घुमाकर क्यों देखते हैं। देखो आइए इसका भी आंसर हमें यहाँ पे दिख जाएगा। देखो साफ साफ दिया गया है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ पक्षी, ये देखो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं सीधा, अगर आपको आंसर लिखना है तो यहाँ से हो जाएगा, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए वे अपनी गर्दन घुमा कर आसपास देखते हैं। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में, देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में मात्राओं की 3 गलतियाँ हैं, उन गलतियों को ढूंढकर सही शब्द पर लिखें। तो आइए देखिए क्या लिखा गया, 2 भालू थो, देखो गलत हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थे। आप पूरी लाइन कॉपी में लिखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो भी मिस्टेक है उसको सही करके लिख रही हूँ। 1 का नाम था मोटू,
दूसरे का नाम, नम, देखो यहाँ पे सेकंड मिस्टेक आ गई, नम, नम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नाम। दूसरे का नाम था पतलू। एक दिन पहाड़, पहाड़ गलत हो गया, क्या आएगा, पहाड़। तो इस तरह से हम लिखेंगे, पहाड़ पर नमक मिला, एक दिन पहाड़ पर नमक मिला, मोटू ने नमक खाया। तो बाकी शायद सही है, तीन यहाँ पे गलत हैं, वो एक थे होना था, यहाँ पे नाम होना था, यहाँ पे पहाड़। तो आपको ये सेंटेंस को वापस से लिखना है और ये मिस्टेक्स को सही करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर भी मिलेंगे कि आप दो मिस्टेक निकाल पाते हैं या तीन मिस्टेक निकाल पाते हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखो, पक्षियों को दूर तक देखने की क्षमता इतनी तेज क्यों होती है, अपनी राय लिखिए। क्यों तेज तक होते हैं, क्योंकि पक्षियों को शिकार करना होता है ना, इसलिए उनको दूर से देखना पड़ेगा। इसके अलावा पक्षियों को खुद के शिकार के लिए भी तो बचना होता है ना, कि कहीं और पक्षी उनसे ना खा जाए, तो खुद के बचने के लिए भी और साथ में अपना शिकार करने के लिए भी उनके नजरें क्या है, तेज होती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि पक्षियों को शिकार करना होता है, शिकार करना होता है इसलिए उनकी आंखें तेज होती है। इसके अलावा दूसरे जानवरों से बचना भी होता है, उन्हें दूसरे जानवरों से बचना है, इसीलिए क्या है, उनकी उनकी जो पार्क ही नज़र है, मतलब कि कोई पीछे से उनको, मतलब उनको कोई खाने वाला ना आ रहा है, इसलिए वो आवाज़ भी जल्दी महसूस कर लेते हैं और उसको देख भी जल्दी लेते हैं और भाग भी जाएंगे वहाँ से, और अगर उनको कोई शिकार करना है तो उसको पकड़ भी लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए नीचे दिए गए शब्द विलोम शब्द चुनना है, अधिकतर, अधिकतर का देखो इनमें से क्या हो जाएगा, कमतर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलग, अलग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समान, मतलब कि सारे के सारे सेम, तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे प्रॉपरली, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, इसको 879 को 7 से डिवाइड करना है, सेकंड है 367 को 17 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे 78 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो आइए करके देखते हैं, हम यहीं पे करके देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8, हम इस कॉलम को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि ईजी हो जाए करना यहाँ पर, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 879, इसे हमें किससे करना है, 7 से डिविजन करना है, तो 1 करते हैं, 7 वनजा 7 आया, ठीक है, 7 का पहाड़ा लेते हैं, 7 आया, एक बचा यहाँ पे कितना आया, 17, अब 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हमने लगाया 14, अब कितना बचा यहाँ पर, 3, यहाँ पर 3 बचा, और ऊपर से हमने क्या उतार लिया, 9 उतार लिया, ठीक है। अब कितना बचा, 7 5 35, तो अगर हम यहाँ पे 35 करते हैं तो अब हमारे पास में कितना बचता है, 4, हमारे पास में कितना बचता है, 4, तो हमारा आंसर कितना हुआ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का, हमारा आंसर कितना हुआ, 125 सही, 4/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 125 4/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमने इसका डिवीजन करके देख लिया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आप इसको एक नोटबुक में करके रख लीजिएगा कि जब एग्जाम में दिया जाए तो फटाफट एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 367 को 17 से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना तो ज़रूरी नहीं है कि 17 का टेबल आए, तो सबसे पहले तो आपको 20 तक टेबल लर्न करने हैं, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। देखो 17 से क्या, तो देखो 17 का जो टेबल है थोड़ा बहुत मुझे आता है, 17 × 17, 17 × 34, तो 17 × 2 कितना होता है, 34, तो हमने लगाया 34 यहाँ पे, अब कितना बचा, 2, अब यहाँ पे आया 27, अब हम लिखते हैं 17 × 17, तो 17 × 34, तो दूसरा तो बड़ा है, तो यहाँ पे आया 17, कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा, तो अब इसका आंसर कितना हो गया, 21 10/17, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, भिन्न दी गई है, फ्रैक्शन दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है अगर जो न्यूमिनेटर है, जो हम ये कहें कि सेम होता है, हर अगर सेम होता है तो हमने क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, हर को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये क्या हुआ, 7/3, तो अब कितना बचा, 4/8, तो अब ये क्योंकि क्या है, एक ही टेबल से कट जाएंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, रोहित किसी काम के लिए हर रोज 7 रुपये खर्च करता है, बताइए उसी काम के लिए रोहित कितने दिनों में 728 रुपये खर्च करेगा, मतलब रोहित एक काम को करने में 7 रुपये खर्च करता है, तो अगर उसी काम को अगर उसको टोटल 728 रुपये दे दे तो वो कितनी बार करेगा, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 7 रुपये काम के लिए खर्च करता है, एक काम के लिए 7 रुपये खर्च करता है, कितने काम के लिए, एक काम के लिए, तो 1 रुपये कितने काम के लिए खर्च करेगा, 1/7, तो 728 रुपये कितने काम के लिए खर्च करेगा, तो 1/7 × 728, तो अब हम इसको जब कट करेंगे, देखो 7 से हमने भाग किया तो 7, और यहाँ पे देखो 2 अकेला आया है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि सिर्फ 2 आया है, हमें 8 भी यहाँ पर जब 2 नंबर हमें ऊपर से उतारने पड़ते हैं तो हमें वहाँ पे 0 लगाना पड़ता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 104, मतलब 104 दिन में वो जो है 728 रुपये खर्च कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अमित की फैक्ट्री में 20 सिलाई मशीन है। एक सिलाई मशीन एक दिन में 4 मीटर कपड़ा सिला जाता है, तो बताइए कितने दिनों में उस फैक्ट्री में से 560 मीटर कपड़ा सिला जाएगा। तो देखो पहले करना क्या है, एक सिलाई मशीन से एक दिन में 4 मीटर कपड़ा आता है, एक सिलाई मशीन कितना कपड़ा सिलती है एक दिन में 4, तो 20 सिलाई मशीन कितना करेगी 80, मतलब 80 मीटर कपड़ा तो एक दिन में सिला जाएगा। अगर 80 मीटर कपड़ा सिला जाता है एक दिन में, तो 560 मीटर कपड़ा कितने दिनों में सिला जाएगा, 7 दिनों में। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व, देखिए किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। एक सिलाई मशीन एक दिन में कपड़ा सिलती है 4 मीटर, तो 20 सिलाई, क्योंकि इसकी कंपनी में कितनी सिलाई मशीन है, 20 है ना, तो 20 कितने में करेगी, 4 × 20 करेंगे तो 80 मीटर, मतलब एक दिन में 80 मीटर कपड़ा सिला जाता है। तो 80 मीटर कपड़ा सिला जाता है एक दिन में, 1 मीटर कपड़ा सिला जाएगा 1/80 दिन में, और 560 मीटर कपड़ा सिला जाएगा। तो हम देखो 0 से 0 काट देंगे, और अगर 8 के बारे में देखते हैं, 8 × 7 = 56, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा कि 7 दिन में, मतलब कि क्या हो जाएगा, 560 जो है वो टेबल जो है वो कपड़ा जो है वो सिला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लेवल 1 का सैंपल पेपर 1 खत्म हो गया, सेकंड सैंपल पेपर के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइज़।